सिकंदर ने कहा जरूर कुछ लोग उससे मिले हुए हैं, अब मेरे सामने ही कबीर को प्राण दंड दो। बोले क्या किया जाए? बोले मेरे सामने ही जंजीरों में बांध दो और एक हाथी के द्वारा उसको कुचलवा दो। तब मदमत्त हाथी के ऊपर महावत को बिठाया गया, जंजीरों में बांध करके कबीर जी को विराजमान किया गया। बैठा था सिकंदर और महावत हाथी को कबीर दास जी की ओर बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी आगे को बढ़े तैसे ही चिंघाड़ करके हाथी पीछे को भागे। बार बार महावत आगे को बढ़ाए, हाथी पीछे को भागे। सिकंदर ने कहा महावत से क्या हो रहा है, बार बार हाथी पीछे क्यों हटता है, आगे क्यों नहीं बढ़ता, क्यों नहीं अपने पैरों के नीचे कबीर को कुचलता। महावत ने कहा महाराज ये हाथी का दोष नहीं है। बोले क्या है? बोले कबीर दास के आगे कोई सिंह बैठा हुआ है, अपने पंजे ऊंचे करके। जैसे ही हाथी को बढ़ाता हूं वो अपने पंजे ऊंचे करके घुर्राता है तो हाथी डर करके पीछे भागता है। बोले कहां है यहां सिंह, मति भ्रम हो गया है तुमको, हटो मैं हाथी चलाऊंगा। और उस समय स्वयं सिकंदर हाथी पर चढ़ करके कबीर दास जी को हाथी पर कुचलने के प्रयास से जब हाथी लेकर के चला तो साक्षात कबीर दास जी के आगे नरसिंह भगवान का सिकंदर लोदी को दर्शन हुआ। और जैसे ही साक्षात गरजते हुए नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, सिकंदर लोदी कूद पड़ा हाथी से। उसने सुना था किसी फकीर के मुख से कि हिंदुओं के यहां कोई नरसिंह नाम का भगवान हुआ है जो अपने भक्त की रक्षा करने को आया था और हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ा था, कहीं वही नरसिंह तो नहीं आ गया है, और मैं तो हिरण्याकश्यप नहीं बनने वाला हूं, अब कैसे जान बचेगी। समझ में आ गया कि मैं ही हिरण्याकश्यप हूं, ये नरसिंह हैं और कबीर ही प्रहलाद हैं। अब इस नरसिंह से बचने का उपाय यही है कि कबीर दास जी के चरण पकड़ लिए जाए। और उस समय तो महाराज ये सिकंदर दौड़ करके कबीर दास जी के चरणों में पड़ गया था, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कबीर दास जी कहते हैं क्या हुआ? बोले चारों ओर मुझे वो सिंह की रुद्र मूर्ति दिखाई दे रही है, वे कौन थे? कबीर जी ने कहा कोई नहीं थे, यही मेरे राजा राम हैं, मैं यही मेरे नरसिंह हैं, मेरे गोविंद हैं, मेरे गोपाल हैं, मेरे कन्हैया हैं। मैं तुझसे यही तो बार बार कह रहा था कि करो ना सलाम, सांची कहो मैं कलाम, बात दूसरी हराम, मेरो मालिक एक राम है।